वेलकम बैक टू माई चैनल द केमिस्ट्री ऑफ पीशियस हेल्थ। केमिस्ट्री जो जनरली इन्वॉल्व होती है आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ऑफिस जाना हो, इनफैक्ट जो लोग ऑफिस नहीं भी जाते हैं उनका भी शेड्यूल बिजी ही होता है। ऐसे में अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालना अपनी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। यही रीज़न है कि आज हम जितना कमा रहे हैं हमारे अर्निंग का एक बहुत अच्छा खासा पार्ट हमारी हेल्थ पर चला जाता है। ऐसे में अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें तो हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो तो वैसे आप सबके द्वारा इस्तेमाल की गई एक छोटी सी चीज ही है, पर अगर मैं उसके फायदे की बात करूं तो उस छोटी सी चीज की भी लाखों की कीमत हो जाती है, और वो छोटी सी चीज है रॉ सॉल्ट। रॉ सॉल्ट को आम भाषा में वैसे तो सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर में पाई जाती है। बहुत सी जगह पे ये काले रंग का होता है, इसलिए इसको काला नमक भी कहते हैं, पर ये सारे रॉ सॉल्ट ही होते हैं। अगर मैं बात करूं नमक की, तो नमक हमारे रोजाना डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम सब लोग रोज अपने खाने में नमक का इंटेक करते ही करते हैं। हम जो नमक यूज करते हैं वो नॉर्मली सी सॉल्ट होता है, समुद्री नमक होता है, जो कि लैबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोडियम का हमारे बॉडी पे बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोडियम का अपने बॉडी के इफेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहला है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जितनी भी दिल से संबंधित बीमारियां हैं उसमें इंक्रीमेंट होता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 20% ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप के ब्लड में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि नमक से सिंपली आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भी आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है कि नमक आप खाना थोड़ा कम कीजिए। सेकेंडली, कैंसर होने के चांसेस हैं, स्टमक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि ज्यादा नमक खाने से बिल्कुल होती ही होती है। और तीसरा जो सबको देखने को मिलता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें बोन थिन होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि जो बॉडी में सोडियम ज्यादा होने की वजह से जो कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू वेस्ट हो जाता है। इसलिए कैल्शियम आपकी बॉडी को चाहिए हड्डियां मजबूत करने के लिए। तो कैल्शियम का वेस्ट होना आपकी बॉडी को थिन करेगा और आपकी आपकी बॉडी की हड्डियों को कम थिन करेगा और हड्डियां कमजोर होने लगेंगी अगर आप ज्यादा सोडियम का इंटेक करते हैं। आपके बॉडी का पीएच लेवल कम होने लगेगा, बॉडी एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक बॉडी को किडनी स्टोन होने में, कैंसर होने में और अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां होने में सहायक हो जाए अगर बॉडी बहुत से ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो बिल्कुल सोडियम का इस्तेमाल अपने डाइट में कम से कम करना ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ रॉ सॉल्ट की, सेंधा नमक का, तो उसका असर बिल्कुल बॉडी पे अपोजिट हो जाता है, जो कि उसमें पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो वो सिंपली सबसे पहले इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। हमारे भी बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उन सबको मारता है। एलर्जी किसी टाइप की होती है तो उसको कम करता है। बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। वेट लॉस करने में बहुत अच्छा है। अस्थमा में बहुत अच्छा होता है अगर आप काले नमक का सेवन करते हो, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें कमी देखने को मिलती है अगर आप काला नमक रोजाना अपने डाइट में शामिल करते हो तो। क्योंकि ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपके स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगला है इंसुलिन एंड ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है काला नमक। बिल्कुल इंसुलिन के अमाउंट को रेगुलेट करेगा, इसलिए आपके ब्लड शुगर भी मेंटेन होगा और आपको डायबिटीज से भी छुटकारा मिल जाएगा अगर आप सेंधा नमक रोज अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो। इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन से भी फाइट करता है और आपके मन को भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है मसल्स हेल्थ की। बोन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप काला नमक यूज करते हो, क्योंकि काले नमक में नॉर्मली मैग्नीशियम और अदर मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि कैल्शियम को बॉडी में डिजॉल्व होने में मदद करते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छा डिजॉल्व होता है और आपकी बोन की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप काला नमक अपने बॉडी में काले नमक का इस्तेमाल आप करते हैं तो। तो ये सब बेसिकली कुछ फायदे हैं काले नमक का इस्तेमाल करने में और सेंधा नमक का इस्तेमाल करने में। ये बिल्कुल आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे मजबूरी है तो चलिए ठीक है, आप सी सॉल्ट समुद्री नमक जो कि पैकेट में नॉर्मली मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली
काले नमक के फायदे की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा हैं, और काले नमक का और जो हमारे सी सॉल्ट होते हैं, जो हम लोग पैकेट में नमक लेके आते हैं, उन दोनों का असर बॉडी में एकदम अपोजिट ही है। एक बहुत फायदेमंद है तो दूसरा हमारी बॉडी को अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस आपको रॉ सॉल्ट यूज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।